वास्तव कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे विधानमंडल के विधानसभा सत्र के बारे में, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो विपक्षी दल हैं वो एकदम तल्ख तेवर अपना चुके, आक्रामक तेवर अपना चुके हैं, अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस बार नजर आ रहे। साथ ही साथ सरकार ने भी कमर कस ली है इस बजट सत्र को लेकर, कल से शुरुआत होने जा रही है और देखिए क्या कुछ खास रहेगा। इससे पहले कुछ रिएक्शंस भी आपको हम सुनवाते हैं, बताते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। इस वक्त हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी की तरफ से और चंचल यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे इस चर्चा की। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा सत्र, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिनको लेकर आपकी तैयारियां दिख रही हैं। देखिए, देश के अमृत काल का, उत्तर प्रदेश का ये पहला बजट है जो कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सम्मानित वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर के चौमुखी जो उत्तर प्रदेश का विकास है, जो आज इस देश के ग्रोथ का इंजन बनने जा रहा है, उसको साकार करने वाला होगा। हाँ। और प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए एक प्रसन्नता और खुशहाली का संदेश होगा जी। यानी कि ये जो बजट होगा इस बार का, ये समृद्धि का प्रतीक होगा और ये माना जाए कि आशा की किरण होगी इसमें। निश्चित रूप से, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश के जन सामान्य की अपेक्षाओं को समर्पित सरकार है, जन आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह सरकार है और बिना भेदभाव की लोक कल्याणकारी नीतियों को, क्रियान्वयन को साकार करने वाली सरकार है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को के संकल्प को लेकर के कार्य कर रही सरकार है। तो इसलिए सरकार की मंशा बहुत साफ है और पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन का जो समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, ये सरकार की ताकत है और उसके अंतर शक्ति है। ठीक है, चंचल यादव जी, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ है, युवाओं का रोजगार, युवाओं का ये बजट होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे शामिल, आपकी एक टिप्पणी। देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से सुन रहा था, ये अमृत काल की बात है। सच बताऊं तो ये विष काल चल रहा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के या हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना कब हुई कि शासन प्रशासन के सामने सरेआम एक माँ बहन, एक माँ और एक बेटी को जिंदा जला दिया गया और उसकी चीखें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को शायद सुनाई नहीं दी होंगी। अगर ये लोग सुनते, अगर ये संवेदनहीन ना होते ये लोग, तो शायद जो एक बार रूह कांप जाती। सच बताएं, मैं वो वीडियो देख रहा था तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। किस तरीके से ये लोग हैं, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बुलडोजर से जो एक गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं सबको। अभी देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी आपने शायद चला था, मेरे ख्याल भारत समाचार पर चला भी था, आपने देखा होगा कि परिवार को उसके पहले जो है शासन प्रशासन के द्वारा किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था। और आपने देखा होगा कि उसकी वीडियो से कपड़े तक उतारे गए थे लड़के। वीडियो एक वायरल हो रही है, मैं देख रहा हूँ, अगर वो ऑथेंटिक है तो ये मतलब समझिए कि पूरे परिवार को इन लोगों ने ना जाने किसका दबाव था, वो कौन लोग थे जो परिवार को खत्म करना चाह रहे थे और अंत में वो अपनी पूरी मुहिम में सफल हुए। और सरकार के लोग जो है वहां तक केवल वीडियो रिकॉर्डिंग से, वीडियो रिकॉर्डिंग करके परिवार आपके साथ है, परिवार साथ में खड़ा है। और मैं आपको बताऊं, सारी बातों को छोड़ दीजिए, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, इन्हीं के एक मंत्री है राकेश सचान साहब, कानपुर के अंदर 82 कॉमर्शियल प्लॉट्स में से 71 प्लॉट केवल उनके निकल गए। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप,
मतलब सोचो 81 प्लॉट में से 72 प्लॉट केवल उनके निकल गए। दूसरी बात है, आप सोचिए इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर, मैं हमारे प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, G20 अभी इन्वेस्टर समिट हुई है, एक भी पिलर पूरे लखनऊ के अंदर जिस पे आपने झालर और लाइट लगाई थी, एक भी पिलर अगर आपने कभी खड़ा किया मुझे बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए किस एरिया में आपने खड़ा किया है। और मैं बताऊं, मैं अभी आ रहा था उसी लाइन से, सारे के सारे जो गमले पड़े वहां पे रखे गए थे, सारे के सारे गमले गायब हैं। ये कौन चोरी कर रहा है? यानी ये सब मुद्दे आप उठा, ये सोचिए कौन चोरी कर रहा है? इसका मैं अस्पतालों की हालत बता दूं, आपने शायद आपके चैनल ने प्रमुखता से चलाया था, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का जो है अपने पार्टी के माध्यम से जनता के माध्यम से, कि अभी एक पीजीआई के अंदर एक महिला 4 दिन से बेड का इंतजार कर रही थी, वो अंत में उसको दम तोड़ना पड़ गया, उसकी भी जो सांसें रुक गई वो भी इंतजार नहीं कर पाई। अभी मैं लोहिया के अंदर कल गया था, हमारे यहाँ के श्रीराम मिश्रा जी थे, उनको बेड दिलाने की बात थी, अगर बेड उनको बेड नहीं मिल रहा था, मैं अस्पताल में गया हूँ रात में 1 बजे उनको बेड दिलवाया है, ठीक है, बस से बदतर हालात है। आम आदमी तो सोच लो आप कैसे उसका इलाज होता होगा, भगवान भरोसा चल रहा है सब। और इनके जो डॉक्टर हैं, लोहिया की बात करता हूं, जिस लोहिया अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे में इलाज होता था, सारी की सारी जांचें फ्री होती थी, और आज के समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक करवा लीजिएगा, सारी की सारी जांचों के पैसे रखते हैं और गरीब आदमी का इलाज दुभर हो गया है, सोचिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, अब वो भी थक गए हैं, नहीं तो पहले दौरे पे दौरा किया करते थे, और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है सर बताऊं तो। वो अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में हालत यह है कि डॉक्टर ओपीडी छोड़ करके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस लोहिया में गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान बड़े फक्र से पहुंचता था कि कम से कम जो एसी सहारा और मेदांता अस्पताल में काम करती है, वो एसी लोहिया इंस्टीट्यूट में काम करती थी, समाजवादियों की देन है। प्रदीप, लेकिन अस्पताल को आपने बस से 72 हाथ तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी इनको प्रमुखता से उठाएगी और उठाती भी आई है। कांग्रेस की अगर बात करें, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से और नवेद जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। एक टिप्पणी प्रदीप जी आपके साथ, आपसे मैं यहाँ पर लूंगी, आपकी क्या अपेक्षा है यूपी सरकार से, बजट सत्र को लेकर क्या चाहते हैं इस बार, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाएगी कांग्रेस? सबसे पहली बात है, इस बजट में हमें हमारी इच्छा होगी कि इससे पहले की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसने सबसे पहली इन्वेस्टर मीट की थी, उससे जो एमओयू साइन किया था वो आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। इस बजट में हम ये चाहते हैं, अभी जो इन्वेस्टर मीट की है चाइनीज झाला लगाने के साथ साथ, वो कम से कम इन्वेस्टर मीट का एमओयू का जो एमओयू साइन हुआ वो धरातल पर उतर जाए। और नौजवानों को रोजगार की बात ये सरकार अपने बजट के दौरान कर दे, किसानों का की आय दुगनी करने का वायदा किया था ये कर दे, और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की जो फीस आसमान छू रही है, विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी सेक्शन तक आसमान छू रही है, इस पर भी सरकार कम से कम अपनी बात रखती हुई नजर आवे। और जब आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बताया कि राकेश सचान जी इनके सरकार के प्रमुख अंग हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आज भी वो मंत्री बने हुए हैं और सरकार का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे, इसके बाद भी सरकार कह रही कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, लगातार आप बताइए, पिछली सरकार से लेकर आज तक आप एक भी परीक्षा इन्होंने भ्रष्टाचार युक्त के अलावा भ्रष्टाचार मुक्त कराई हो तो बता दीजिए। आप लगातार जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, हमने लोगों की कापियां जलते हुए देखी हैं, हमने अस्पतालों में लोगों की सांसें रुकते हुए देखी, आपने कई बार बीमार अपने परिजनों को लोगों को कंधे पे ले जाते दिखाया, प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को ठेले पे ले जाते दिखाया, क्या ये सारी चीज़ें ठीक होंगी? अगर ये ठीक होंगी निश्चित तौर पर बजट का स्वागत होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनकी मंशा साफ है। निश्चित तौर पर ये बजट, आने वाला बजट अगर इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ता है तो हम स्वागत करेंगे, निश्चित तौर पर हम उस पर सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल, इस बार का जो बजट है वो भी काफी लंबा चौड़ा है, 7 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो योगी सरकार इस बार पेश करने जा रही है। नवे जी, इससे पहले आपकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये बजट बहुत बड़े साइज का है और हम सब आशा करते हैं कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई पर काबू के लिए ये बजट काम आए, आशा हम लोग कर सकते हैं, प्रदेश की जनता ये उम्मीद कर सकती है अपनी सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर, कि बजट आम जनता
को कम से कम राहत देने के लिए हो, रोजगार सृजित करने के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई की मार से परेशान है, महंगाई काबू में आए, रोजगार सृजित हो। ये सवाल बिल्कुल जायज उठाए हैं हमारे विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं ने कि जरूर इस बात की पारदर्शिता होना चाहिए, खासतौर से आर्थिक मामलों की, कि निवेश इतना ज्यादा जो हुआ था वो जमीन पर कितना उतरा, अभी जो निवेश हुआ है वो कितना उतरे। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और सबको स्वागत करना चाहिए अगर सचमुच आम जनता के लिए, गरीबों के लिए हो। एक बात और कहना चाहूंगा, इसका साइज बड़ा होना बहुत लाजमी था क्योंकि ये वित्तीय वर्ष जो है इसके बाद लोकसभा चुनाव है, इस बजट की योजनाएं जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारी जाएंगी क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल स्वार्थ भी होगा और गुड गवर्नेंस का भी ये फर्क, मतलब ये सामने जी, सरकार साधना चाहेगी 2024 को, पार्टी साधना चाहेगी 2024 को, लेकिन विपक्ष सेटिस्फाई नहीं दिख रहा है जो आंकड़े बताए जा रहे हैं सरकार के। जी देखिए, विपक्ष बहुत आक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष ने पहले दिन ही जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई उससे लगता है कि ये पूरा सत्र जो है वो विपक्ष के गुस्से के साथ और मांगों के साथ में और जमीनी संघर्ष के साथ नजर आएगा। लेकिन एक आम जनता ये उम्मीद करती है कि विपक्ष बिना आक्रामकता से शालीनता के साथ जनता के मुद्दों को उठाए, आर्थिक मुद्दों को उठाए, जाति की तरफ इसको कतई नहीं पलटा जाए इस सत्र को, क्योंकि जनता चाहती है कि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष आम जनता की बात करे, उसकी आम जरूरतों की बात करे, ना कि धर्म और जाति की बात हो। यह बात बिल्कुल सही उठी है कि सचान साहब के सामने जो गंभीर आरोप लगे हैं यह चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि यह उम्मीद करती है उत्तर प्रदेश की सरकार की, ईमानदार उत्तर प्रदेश सरकार पर उम्मीद करती है उत्तर प्रदेश की जनता की, ईमानदार सरकार है, दावे और वादे भी ईमानदारी के हैं। तो सचान, मैं एक बात कह, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, आपके रिपोर्टर जो है वो सचान साहब के पीछे पड़ गए कि आप कुछ तो अपनी राय दीजिए, कुछ तो बताइए, कम से कम यही बताइए कि हम हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो चुप्पी साधे रहे और रिपोर्टर अपनी ड्यूटी निभाता रहा, लगातार उनके पीछे लगा रहा। उनका कोई एक वाक का ही बयान दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मुंह में पट्टी बांध ली, बल्कि उनके साथ सहयोगी थे वो आपके रिपोर्टर को पीछे धक्का भी देने लगे, जैसे कल घटना हुई थी। तो मुझे लगता है कि सफाई देनी होगी सरकार को, और मुझे लगता है कि अगर कोई गलती है तो जल्दी से जल्दी सरकार अगर चाहती है कि उसकी ईमानदार छवि बनी रहे तो ये जो आरोप लग रहे हैं इसके जवाब देना चाहिए, क्योंकि बजट सत्र है और विपक्ष बहुत आक्रामक है, सरकार को अपना जवाब देना होगा। बिल्कुल, विपक्ष, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, विपक्ष एकदम अटैकिंग मोड में दिख रहा है। और देखिए, जिस राकेश सचान की बात की जा रही है, सरकार आपकी जीरो टॉलरेंस की बात की करती है, कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है भी नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राकेश सचान पर जो आरोप लगे हैं उन पर कम से कम आपकी सरकार को जवाब तो देना चाहिए। हरीश, देखिए, हमारे विपक्षी गण के जो मित्र हैं, विपक्षी राजनीतिक दलों के, मुश्किल ये है कि जब उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए एक प्रसन्नता की बात होती है, खुशहाली की बात होती है, एक उत्सव की बात होती है, तो विपक्ष को निराशा निराशा ही नज़र आता है। आप आलोचना कीजिए सरकार की, हम इनवाइट करते हैं आपकी आलोचना को। सकारात्मक विपक्ष समृद्ध लोकतंत्र का परिचायक है, लेकिन आलोचना आप तथ्यगत करिए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कोई उद्योगपति उद्योग लगाने की सोच भी नहीं सकता था, उत्तर प्रदेश का जो माहौल था। आज अगर पूर्वांचल को 9 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, बुंदेलखंड को लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। और विपक्षी दल के मित्र भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं, उनका भी घर परिवार और जो सरोकार है वो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब विपक्षी दल के मित्र बहुत नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि आखिर विपक्षी दल के मित्र उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी पिक्चर उनके दिमाग में बसी हुई है। लेकिन जो हाल फिलहाल घटनाएं हुई हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं, एक एक करके सारे विषयों पे आ रहा हूं।
और जिस तरह से माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में चलता था, इसी बीच में निवेश से जुड़ी एक बात कह करके फिर मैं इस पे आता हूँ। नवेश साहब कह रहे थे कि जो 2018 में निवेश समिट हुई थी जिसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए थे, उसमें कितने के साकार हुए? सरकार ने सारे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आपके पास मैं आपकी टिप्पणी, बिल्कुल पत्रकार हैं हरी जी, मैं आपके पास आपकी टिप्पणी ले रही हूँ। चंचल जी से टिप्पणी। देखिए स्वाति जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है। इनसे सवाल पूछा जा रहा सचान के बारे में, ये पूर्वांचल का विकास करने लगे, बुंदेलखंड का विकास करने लगे, ये अपराधियों की बात करने लगे। इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब पूछा गया अडानी जी के बारे में, तो लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हमने 6 करोड़ सिलेंडर दिया, हमने 8 करोड़ ये किया, हमने खाद्यान्न बांट रहे हैं। तो ये लोग केवल भटकाने और गुमराह करने वाले लोग हैं। मेरा सवाल, आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर जैसे ये बोल रहे हैं, हमारे श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, उसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर एक दिन कहा कि हमने हर घर नल योजना के तहत 6 करोड़ परिवार को हमने हर घर नल योजना जोड़ा, और अगले दिन ही राज्यसभा के अंदर उन्होंने बताया कि हमने 11 करोड़ परिवार के लोगों को हमने हर घर नल योजना जोड़ दिया। तो ये किस तरीके से फेक आंकड़े लोग प्रस्तुत करते हैं, इनकी बातों पे आप खुद अनुमान लगा सकते हो। अभी इनसे पूछा गया सचान के बारे में बताओ, आप जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार को लेकर के, तो उसके बारे में बोलने को कुछ तैयारी नहीं है। इनको पता है कि इनके यहाँ भ्रष्टाचारियों का सम्मान किया जाता है, आप देखिए उनको और प्रमोट किया जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे। तो सवाल यह है आज के समय में, आप जो मैं बात कर रहा था मेडिकल के क्षेत्र में, सच बताऊं स्वाति जी, मैं कल अस्पताल गया था लोहिया, जो लोहिया में एक आम और गरीब आदमी आके इलाज कराता था, आज बस से बदतर हालात से गुजर रहा है लोहिया। आप बताओ गैस्ट्रोस्टर में डॉक्टर नहीं है, जो पहले डॉक्टर प्रशांत वर्मा हुआ करते थे, वो छोड़ के चले गए, तो इन्होंने प्रशांत नाम के एक और डॉक्टर को लेके आए। कल आपकी पार्टी उठाएगी ना इन मुद्दों को, तथ्यात्मक तरीके से सरकार के सामने रखेगी ना। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। हाँ। आज के समय में मैं श्रीवास्तव जी से पूछता हूँ कि 102 और 108 की बस से बदतर हालत क्यों है? आज अगर फोन करो तो 102 ना तो पहुंचती है ना तो 108 पहुंचती है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने बहुत स्पष्ट बात कही कि आप बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटो आप देखते होंगे अस्पतालों के सामने, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। तो सवाल यह है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 108 और 102 की क्या कोई एम्बुलेंस खरीद करी? नहीं खरीद की इन्होंने। सवाल यह है, अभी देखिए आपने देखा होगा कई गाजियाबाद का आपने चलाया था, मैं देख रहा था, मैं भारत समाचार देखता रहता हूं अक्सर करके। गाजियाबाद में एक अस्पताल है, वहां पे 5 दिन से लाइट नहीं है अस्पताल में, मोमबत्ती से इलाज चल रहा है। अयोध्या के अंदर, खुद अयोध्या के अंदर जो हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है और ये वहीं से इनकी राजनीति शुरू होती है, खत्म होती है वहां पे अयोध्या के अंदर अस्पताल के अंदर। आपको बताएं कि एक पेशेंट को जो है एक बार सिलेंडर लगाया गया, इसमें गैस ही नहीं थी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, और दोबारा लगाया उसमें गैस सिलेंडर नहीं थी। तो ये किस तरीके से लोग हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर हैं, केवल गुमराह करने में माहिर ये लोग हैं। हरीश जी से इसका जवाब लेंगे। प्रदीप जी आपकी एक टिप्पणी। ये जो मुद्दे उठा रहे चंचल कुमार यादव, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में प्रदेश में काबिज हैं इस वक्त। और देखिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि इसको हम सत्र में रखेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में दिख रही है, आपकी क्या रणनीति है? स्वाति देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने राकेश सचान के भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, वो कहने लगे कि हम तो माफिया के खिलाफ बिकते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान चला रहे हैं। आप ये बताइए कि ये इन्हीं की सरकार में तो जेल के अंदर एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को गोली मारी थी, इन्हीं के कार्यकाल में अपराधी जेलों के अंदर अपना बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में अपराधी जो बलात्कार का अपराधी विधायक हो, पूरी की पूरी सरकार उसको संरक्षित करती हुई खड़ी नजर आती है। इन्हीं के कार्यकाल में जब किसान आंदोलन करता है तो ये उसे आतंकवादी और देशद्रोही की संज्ञा देते हुए नजर आते हैं। इन्हीं की सरकार में आप जब ये बात करते हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश की, ये बात इन्होंने कब की थी? पिछली सरकार में कहा था कि 17 जून तक प्रदेश की हर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, आज तक सारी की सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। इन्वेस्टर मीट में पूरी कोशिश के बाद भी आज भी राजधानी में गड्ढे से भरपूर सड़कें राजधानी में आपको दिखाई पड़ रही। तो ये सवाल है, इन सवालों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक लफ्ज नहीं कहा। जब आप जहां शैक्षिक माफिया की बात करते हैं, शैक्षिक माफिया लगातार कोई भी परीक्षा हो आप बताइए, वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ी हो, उसका पेपर लीक ना हुआ हो, लोग नकल करते हुए नकल कराने वाले गिरोह सामने ना आए हुए हो,
और सारी की सारी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ी हो। और जब किसान की आय दुगनी की बात करने की बात की जाती है, पिछली सरकार ने कहा था कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज होगा, आज तक आप बताइए कि एक जनपद में कितने कोल्ड स्टोरेज है। ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, आप ब्लॉक तो आप छोड़ दीजिए, एक जनपद में कितने कोल्ड स्टोरेज है, आप हरीश श्रीवास्तव जी से पूछ के बता दीजिए। तो और जहां तक बात हो रही है, हम बार बार ये कह रहे हैं विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी तक की जो फीसों की बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, आज ये सीधा का सीधा असर परिवार के गार्जियन से पड़ रहा। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मौन नजर आती है और हमेशा शिक्षा माफियाओं के साथ नजर आती है। आज क्या कारण है कि प्राइमरी स्कूल से विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती जा रही है? उसके पीछे वजह है कि जो लोग जो सिंडिकेट आज स्कूल चला रहे हैं, वो सारे के सारे सिंडिकेट भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनके नेता हैं। प्राइवेटाइजेशन पर आप बात कर रहे हैं और जो मुद्दे देखिए प्रदीप जी उठा रहे हैं, हरीश चंद्र जी, ये बेहद तो सवाल का मुद्दे हैं, बहुत स्वाभाविक मुद्दे हैं। नहीं, मैं पहली बात की बात इनका जवाब आपके पास क्या, आपको जवाब देना होगा। पहली बात को सिलसिलेवार जवाब आप सुनिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं। सचान के बारे में बोलिएगा, आपने मुझे रोक करके फिर चंचल जी की तरफ भेज दिया था, तो पहली बात तो पूरा जवाब आने सर, उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी। अब अपनी बात पूरी कंप्लीट की। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि विपक्ष के मित्रगण जो हैं, ये भ्रामक तस्वीर सरकार की प्रस्तुत करना चाहते हैं। सरकार कानून व्यवस्था पे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही, इसलिए कांग्रेस के वो भी संरक्षित माफिया जिनको कांग्रेस ने पंजाब में ले जाके संरक्षण दिया था, वो भी आज जेल के सीकचों के पीछे हैं। जेलों से जो माफिया उत्तर प्रदेश की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेका पट्टा देते थे, वो भी सब जेल के सीकचों के पीछे हैं और वो भी सब न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता हो रहे हैं। इस पर आप जितने भी भ्रष्टाचार और घोटाले एक एक करके सब बेनकाब हो रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज सब एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इनको जवाब सुनने का धैर्य नहीं है। सुन लीजिए, जिस तरह से आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया हर गरीब को इलाज के लिए, अभी भी नहीं बोले आप, हार्ट के लिए, राकेश सचान पर आप अभी भी नहीं बोले, इलाज मुफ्त हो रहा है। राकेश सचान, राकेश सचान, राकेश सचान, बड़े भाई राकेश सचान, राकेश सचान पर जवाब दे लीजिए। सरकार है, किसी को माफी नहीं है, वो राकेश सचान हो या कोई नहीं, क्या होगा इनके एक्शन, क्या होगा ये बताएंगे। जांच हो रही है, आपके केवल कहने से कोई नहीं होगा। जांच होने के बाद जांच के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, राकेश सचान पर जो आरोप है वो मनगढ़ंत है, ये कहना चाहते हैं आप करेगी। आप कहना क्या चाहते हैं, राकेश सचान पर जो आरोप है वो गलत है, कोई बड़ा सरकार हो या ये कहना चाहते हैं आम आदमी हो या खास आदमी हो, खास योगी सरकार में किसी को माफी नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार के मामले है, इसके ऊपर आरोप लगा है, जो भी आरोप लगे सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जांच चल रही है, जांच के तथ्य जैसे आएंगे सरकार कार्रवाई को सुनिश्चित करे। सरकार तो जेल तो के अंदर जो माफियाओं ने बर्थडे मनाया उन पर कोई ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी सरकार में राजस्थान की सरकार है, सुनिश्चित करते नजर आते हैं राजस्थान की आपकी पूरी सरकार। आए दिन आए दिन वहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर के उसकी उसकी रिपोर्ट आती रहती है, उसको जरा बोल सकते हैं या कीजिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस हो या जिन लोगों के साथ में यू ही नहीं आसिए चले गए, आसिए पिछले गए क्या कि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। हरीश जी है, बीजेपी खुद ये बात कहती है कि चाल चरित्र चेहरे से तमाम चीजों का जिक्र करती है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं जवाब तो देना होगा ना। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे आप राजनीतियां सेक रहे हैं। वोट की खेती करना चाहते हैं, वोट की खेती इस दूसरा के दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे नहीं होती, दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ने उन तमाम लोगों के हत्या है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन के सामने एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया। आप कह रहे हैं कि हादसा ये सुनियोजित हत्या है, ये सिंह के खानदान में ये सुनियोजित हत्या है। आपको कम से कम वहां के ईमानदारी आप कह रहे हैं कि हादसा ये, आप मुझे बताइए अगर हादसा है तो अभी सीतापुर के अंदर घटना कल घट गई है, आप देखिए उसके बारे में, वहां भी एक कैंसर पीड़ित महिला के घर में चलाया है आपने, ये बुलडोजर क्या संविधान से ऊपर है क्या?
क्या न्यायपालिका से ऊपर है क्या? आप देश प्रदेश बुलडोजर कब चलेगा, यही सवाल है। जो अवैध और भारत प्लॉटों वाले मामले पर बुलडोजर कब चलेगा? कार्रवाई करता रहेगा। आप मुझे बताइए एक चीज बड़ी, अपराधियों के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर अनवरत चलता रहेगा। दो नाम देश की जनता एक पूरी भाग है, ठीक है। आप उनको कंप्लीट कर देंगे, फिर अपनी बात रखिएगा ताकि दोनों की बातें समझ में आए, ठीक है। अब आप अपनी बात तो एक चीज बताइए मुझे, बड़ी ईमानदारी से, चूंकि आप, मैं वरिष्ठ मानता हूं और आप समझिए इस बात को और सीधा जवाब देना है। आप मुझे बताइए क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी कि नहीं कही थी? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? हर किसान की आय दोगुनी होने की बात 2022 तक हुई थी कि नहीं हुई थी? हर गरीब को पक्का मकान देने की बात हुई थी नहीं हुई थी? और आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट शहर योजना, आप मुझे बताओ इसी लखनऊ के अंदर एक कोई रोड आप बता दो जो बस से बदतर हालत से गुजर रही हो। और मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने कहा कि इन्वेस्टर समिट G20 सवाल छोटा होना चाहिए। नहीं मैम, G20 से लेकर के आप कोई एक पिलर बता दो लखनऊ के अंदर जिसपे आपने झालर लगाई हो, जो एक पिलर आपने मनाया हो, ठीक है। आप जवाब पिलर बता रहे हो चैलेंज के माध्यम से। संक्षिप्त सवाल है और संक्षिप्त, समाजवादी पार्टी का यह दंभ कोरा झूठ है कि उसको लगता है कि लखनऊ उसी ने बसा दिया और सब बना दिया। एक ये दम जो है कि जो समाजवादी पार्टी का ये दम है कि जो जहां कुछ बना वो समाजवादी पार्टी ने दम बनी दिखाई देता है। आपका दम है, इसी दम को जनता ने तोड़ा आपके। पहली बात, आपने सारे पिलर नहीं खड़े किए, आपने सारे निर्माण नहीं कराए। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आपका ये दम है, ये समाजवादी पार्टी का दम है, डबल इंजन की सरकार है, समाजवादी पार्टी के दम है कि हमने मेट्रो बनवा दिया, हमने ये कर दिया, आपने क्या काम किया? अरे आप विश्वकर्मा हो गए, आप विश्वकर्मा हो गए कि आप पूरी दुनिया आपने ही बसा दी, पूरी दुनिया आपने बना दी। ये दम जो है, यही मैं कह रहा हूं, ये दम समाजवादी पार्टी का है। आप इस मुगल को खारिज किया जनता ने, आप भी हारे हो, इसीलिए जनता ने आपको खारिज किया। जनता को किसी का दम बर्दाश्त नहीं, जनता को किसी का दम बर्दाश्त नहीं है। दम समाजवादी पार्टी है, इसी दम के कारण, इसी झूठ और फरेब के चलते छत्तीसगढ़ के अंदर माफियाओं, अपराधियों के संरक्षण, माफियाओं अपराधियों के संरक्षण, आप घोटाले, भ्रष्टाचार और ये दम संस्थाएं को जनता ने खारिज करने का आरोप प्रत्यारोप मत पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो सवाल है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, महंगाई से जुड़ा हुआ, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, हाल फिलहाल जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में सामने आए, उन मुद्दों पर भी तो आपकी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार महंगाई की टॉनिक क्या है, बेरोजगारी की टॉनिक क्या है? बहुत सारी उम्मीदें हम सभी को सरकार से, तभी तो आपको चुनकर हम लोगों ने महंगाई पूरी दुनिया में है और भारत ने जिस तरह से उसको टैकल किया, पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ रही, उसकी पूरी दुनिया के जितने भी नामी गिरामी जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए संस्थान हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं। और इधर महंगाई में हो गया, इधर महंगाई में भी कमी, इधर महंगाई में भी कमी आई है। और ये वैश्विक स्तर पर अगर आप आकलन करेंगे तो आप भी इस बात की प्रशंसा करेंगे, महंगाई पर कमी आई है। भारत की सरकार ने यहाँ की महंगाई की व्यवस्था जनता पार्टी से जुड़े हुए काम किया और निश्चित तौर पर लगेगा कि महंगाई में कमी आई क्योंकि इनके पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है कि वो कोई भी खरीद कर सकते हैं, क्योंकि उनका नकारा उसके लिए महंगाई है। बेरोजगार नौजवान को अगर मोटरसाइकिल से अपने रोजगार के लिए जाना होगा, वो पेट्रोल लेना होगा, तो उसके लिए महंगाई है। मध्यम श्रेणी के परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो महंगाई है। अगर सामान्य 5 लोगों के परिवार को अपना जीवन यापन करना है तो उसके लिए महंगाई है। गैस सिलेंडर लेना है तो महंगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग से जुड़े हुए लोगों के लिए महंगाई इसलिए नहीं है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए महंगाई है। इन सवालों पर भी हरीश रावत जी को बोलना चाहिए। और बार बार हम भी कह रहे हैं, जब आप अपराध नियंत्रण की बात करते हैं तो सिर्फ हम भी आपसे सवाल करते हैं, ब्रजेश सिंह और ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को संरक्षित करते हुए
हुए आप अपराध नियंत्रण की बात नहीं कर सकते। जब आप किसान की बात करते हैं, किसान पर सीने पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के साथ संरक्षित करती हुई सरकार अगर खड़ी नजर आए तो आप निश्चित तौर पर किसान हितैषी नहीं हो सकते। जब आप किसान आंदोलन करता हुआ आपके पास आता है और अपनी मांग लेके आता है तब आप उसे आतंकवादी और देशद्रोही कहते हैं, उसके बाद आप किसान हितैषी बनने की बात करते हैं। जब आप गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, पिछली सरकार में कर रहे होते हैं, आज भी प्रदेश गड्ढा, सारी प्रदेश की अधिकतर सड़कें गड्ढा युक्त हैं। और सही बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जब आप जस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, अयोध्या में नाका से लेकर रायबरेली रोड तक आप देख लीजिए, 5-5 फीट गड्ढे हैं उस सड़क पर। और आप सड़क की दुरुस्तीकरण की बात कर रहे हैं, जहां से आप जिसको केंद्र में रखकर आप पूरे देश में राजनीति करने की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी आप देख लीजिए कितनी अव्यवस्थित है, किस तरीके से आप किधर से भी आइए आप अयोध्या अगर आ रहे हैं तो कोई भी सड़कें ठीक नहीं है, सारी की सड़कें 5 फीट और 4 फीट के गड्ढा युक्त है। तो आप बताइए ना, आप बताइए, मैं कह रहा हूँ अयोध्या का फैलाइएगा। अरे जी मैं अयोध्या अभी इसी सप्ताह दो बार मैं अयोध्या गया हूँ, इसी सप्ताह दो बार अयोध्या गया हूँ। पूरी की पूरी आप सब की दुनिया मत रहिए, आप गए नहीं हो, योगी सरकार है। अरे जी आप सड़के चुस्त दुरुस्त है, आप अपनी कल्पनाओं से बाहर आइए, नकारात्मक कल्पना छोड़िए, नकारात्मक कल्पना करना छोड़िए, इसी नकारात्मकता में तो वहाँ जवाब आप देख लीजिएगा। और 4-5 महीने से जुड़ा हुआ सराउंडिंग एरिया जो 20 किलोमीटर का, सारे सवाल युक्त है, ये सारे जो भ्रम और झूठ फैलाने का काम आप करते थे, उसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आपको दे चुकी है। लेकिन आपने कंप्यूटर में पीट कर लिया है कि गड्ढा युक्त, अरे गड्ढा युक्त का ही सड़क नजर आवे, किसी को नजर आ रही हो तो आप आ रही है, तो आपको अखिलेश यादव बार बार जाति जनगणना पर भी कह रहे हैं कि सरकार कम से कम जातिगत जनगणना पर भी बात कर रही है, जातिगत जनगणना भी कर तो आपको गड्ढे का सरकार करवाएगी इस बार जातिगत जनगणना ने आपको गड्ढे में कर दिया कि इसलिए आपको गड्ढा नजर आ रहा है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जातिगत जनगणना पर भी बार बार सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार जातिगत जनगणना करा लिया जाए। नवीन जी आपकी टिप्पणी रहेंगे, हरीश जी आप बड़े भाई हैं, उसके बाद कब तक हम सुनते रहेंगे आपकी बात। हरीश जी के पास जी 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 क्या सुनाई नहीं दिया आपका सवाल। देखिए नवीन जी, जातिगत जनगणना पर भी अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा लिया जाए, क्योंकि बीजेपी, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो। जी बिल्कुल, उनका ये अधिकार है, विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता है और उनकी ये सामाजिक न्याय की एक लड़ाई लड़ने का एक उनका एक मुद्दा है, वो जरूर उठाएं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो भी एक विपक्षी नेता के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कम से कम ऐसा ना हो कि जाति की बात को लेकर विकास की बात ना हो, आम जनता की जरूरतों की बात ना हो, और अनुशासनहीनता की वजह से ऐसा ना हो कि जनता का मुद्दा रह जाए और जाति हावी हो जाए। जिस तरीके से अभी तक जो दो दिन नजर आए हैं इसमें बड़ी कटुता नजर आई है। मैं समझता हूं ठीक है, आप सवाल उठाइए, आप सख्ती से सवाल उठाइए, आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा ना करिए कि वहां पर सदन में कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि जनता की आवाज सामने नहीं आए। देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि जो भी बजट पेश होने जा रहा है उस सबसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आम जनता का बजट होगा, इस बात को मानना पड़ेगा। और विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को भी इस वक्त मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर विश्वास करती है, बड़ा विश्वास करती है, कहीं ना कहीं विश्वास है, रिश्ता विश्वास का जुड़ा हुआ है। और मैं सत्तारूढ़ पार्टी से भी यही कहना चाहता हूं कि आप सत्तारूढ़ भाजपा को भी ये महसूस करना चाहिए कि जिस प्रदेश की जनता ने आंख बंद करके विश्वास किया, एक रिकॉर्ड तोड़ा है, दोबारा एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना योगी आदित्यनाथ जी को एक बड़ा इतिहास बना है, उसी हिसाब से जनता के लिए कम से कम विकास कार्यों के लिए आप सामने आइए। उम्मीद यही की जा रही है कि कल का बजट जो होगा आम जनता का होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में आधा मिनट स्वास्थ्य व्यवस्था ट्रामा सेंटर में जाके देख लीजिए, दो वेंटिलेटर हैं तो कम से कम 20 लोग तड़प रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज मैं बार बार यही बात जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कही, शिक्षा में अगर आप देखिए आम इंसानों के बच्चों के, वो गेहूं खा लेंगे जिंदा रह जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा फीस है कि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास भावनात्मक रूप से बढ़ा, गौ माता को लेकर,
गौशालाओं की कमी है और उस गौशालाओं की कमी की वजह से उनका बजट कम है और उसकी वजह से ना सिर्फ गायें भूखी हैं, बीमार हैं, बल्कि किसान भी उनकी वजह से, उनकी भूख की वजह से परेशान है। ये सारी चीजें हम सब उम्मीद करते हैं, हमें पूरी आशा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर के ये सारी चीजें जो है बजट हम सबको संतुष्ट करेगा, गौशालाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कल का बजट जो है हम सबको राहत देने वाला होगा। ये हमारी शुभकामनाएं भी है और आशा भी है और उम्मीद भी है। बिल्कुल, प्रदीप जी से आशा का बजट मानते हैं या फिर एक बार फिर से वही शिगुफा? साथी देखिए, हम निश्चित तौर पर अभी वरिष्ठ सरकार ने ये बात कही, हम आशा करते हैं कि किसान अब रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक अपने खेतों की रखवाली करने के लिए, आवारा पशुओं से अपने खेतों की रखवाली करने के लिए पूरी रात खेतों में नहीं जागेगा। इसके लिए योगी सरकार कुछ करेगी। योगी सरकार खाद के दामों पे कमी लाने की बात करेगी, क्योंकि आपने आय दुगनी करने की बात की है, आपने कोल्ड स्टोरेज और उनकी मंडियां बढ़ाने की बात की है कि इस पर आप भी आप कोई काम करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार से आप लगातार ये बात कर रहे हैं और आज तक आप पूरी नहीं कर पाए। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां से आप लगातार कर रहे थे, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होती, कानून व्यवस्था दुरुस्त होती, आज तक गड्ढा मुक्त सड़कें हमें उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश सरकार इस पर भी ईमानदारी से काम करेगी। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी कम से कम ऐसी व्यवस्था होगी कि उनकी फीस कम होगी, इस पर भी सरकार कोई बात करेगी। बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सृजन पर भी बात करेगी और फर्जी इन्वेस्टर मीट नहीं करेगी। पहली बार जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसको जो है साइन हुआ था, कम से कम वही धरातल पर उतर जाए, इस तरह का कोई बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आएगा। निश्चित तौर पर हम ये अपेक्षा करते हैं, अगर ये बयान आया तो हम बजट का स्वागत करेंगे, अगर नहीं आया तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम उस पर सवाल उठाएंगे। यादव ने ये इंगित किया है, निर्देशित किया है, दो टूक शब्दों में। देखिए, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है। हम लोगों ने कभी भेदभाव, कभी धार्मिक, कभी इस तरीके से कभी हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं करी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा सबको समान समझने की बात करते हैं, हम सबको समान समझते हैं और सारे धर्मों में हमारा विश्वास है। सर्वधर्म समभाव की बात हम लोग करने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है धार्मिक राजनीति करते हैं। मैंने बताया अभी आपको अपनी लाइन में कोट किया था कि इनकी राजनीति अयोध्या से शुरू होती है, अयोध्या पे ही आगे खत्म होती है। लेकिन आज रामचरितमानस पर ही सवाल उठा देते हैं। देखिए, रामचरितमानस पे सवाल ये लोग क्या बोलेंगे, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारे साथी बैठे हुए हैं, क्या ये बता पाएंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित कहा था ही नहीं कहा था, आदिवासी कहा था ही नहीं कहा था? क्या हमारे देवी देवताओं में आप जातियां देखते हो? दूसरा सवाल, क्या आप मुझे बताइए कि क्या आदरणीय इनके जो संजय निषाद साहब हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, क्या उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी की उत्पत्ति को लोग सवाल नहीं खड़ा किया था? कि ये लोग खुद ही हैं इस तरीके से बातें करते हैं। हम लोग तो कल, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। हम लोग जो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो युवा दलों की धड़कन है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी समझिए एक उम्मीद है, उत्तर प्रदेश में इतना उन्होंने काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप देखें एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर उसको सुचारू रूप से चला दिया जाता तो आज पूर्वांचल से लेकर के पूरे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि विपक्षी दलों के पास ना तो विकास की दृष्टि है, ना कोई विजन है और ना ही जनता का विश्वास रह गया। मैं सुन लीजिए, अगर कैंसर इंस्टीट्यूट अगर सही चलाया जाता तो कम से कम आज जो टाटा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उनको भटकना नहीं पड़ता। आज सोचिए ना, उसको उस बिल्डिंग इतनी हाईटेक बिल्डिंग बनी है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आपको याद होगा सब हाईटेक बिल्डिंग एक और है JPNIC, उसमें ताला बंद है आज के समय में। एक ऐसी बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। एशिया का सबसे बड़ा जनसर मिश्रा पार्क हम लोगों ने बनाया, लेकिन ये लोग बता नहीं पाएंगे कि हमने कोई एक काम अगर इन्होंने किया हो, एक सिंगल वर्क मैं चैलेंज करता हूं। और हम लोगों ने हॉस्पिटल के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए, ये 50 बेड का कहीं अस्पताल अगर बना दिए हो मुझे बता दीजिए। लेकिन ये लोग केवल हिंदू मुसलमान जातियों को जातियों में लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू को मुसलमान लड़ाने का काम करते हैं, कभी भी ये विकास की बात ही नहीं करते। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। चलिए, इन मुद्दों का टॉनिक क्या है सरकार के पास, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उत्तर प्रदेश की जनता को बजट सत्र से। उत्तर प्रदेश हमारी जनता बहुत जागरूक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सारे भ्रम और झूठ को नकारती है और उसको खारिज करती है। आज जिले जिले मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गोरखपुर में, रायबरेली में एम्स कार्य कर रहे हैं, और के बोर्ड बीएचयू में कोई एम्स के रूप में परिवर्तित करके वहाँ चिकित्सा उसकी शुरू हुई है। पूरे प्रदेश में आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज
उच्च स्तरीय बन रहे हैं, बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट, पहले पांच पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक भी मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुए बताइए, और ये दंभ और झूठ, डबल इंजन की सरकार, एक भी मेडिकल कॉलेज के बन के तैयार हो बता दीजिए मुझे, इस दंभ और झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता तो आप है और पुनः नकारेगी, इसीलिए मैंने कहा एक अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी करके, एक अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी करना और पूरे उत्तर प्रदेश अलग की बात है, आप केवल भ्रष्टाचार को संरक्षित करते थे, आज योगी सरकार आम आदमी को संरक्षित कर रही है, आम आदमी आपका हृदय आपका साथ नहीं दे रहा है, किसानों को आपने 80,000 करोड़ रुपया किसी भी मुद्दे पर, लेकिन ये मौका नहीं मिलने वाला है, आपको पूरी झूठे बोल लगाए हैं, सरकार झूठ बोल रही है, मेडिकल कॉलेज के झूठे बोर्ड उन्होंने लगाए, लेकिन आप उनका समर्थन दम और झूठ से बाहर आइए, ये दम और झूठ से जब तक बाहर नहीं आएंगे, कितने उठा पाता है कौन व्यक्ति, कितना उसके सदस्य पल्स को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, आप बताइए आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता केवल योगी सरकार नहीं है, है। योगी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी है, और योगी सरकार के ही संवेदनशीलता के साथ लोग कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताकि जनता आपको बार बार खारिज करती रहे, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा और देखिए क्या कुछ चीजें उत्तर प्रदेश की जनता को मिलती है, क्या सौगातें लेकर आता है ये बजट, ये देखना भी बाकी है। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, नमस्कार।